नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भव्य और दिव्य केदार का निर्माण हो रहा है। सीएम धामी ने कहा कि भगवान केदार में प्रधानमंत्री मोदी की असीम आस्था है। 2013 की आपदा के पास केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केदार का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने प्रदेश में निर्माणाधीन और आगामी दिनों के लिए प्रस्तावित कई केंद्रीय योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री मोदी से सकारात्मक पहल की अपील भी की है। केदारनाथ के तो अनन्य भक्त हैं और हमेशा केदारनाथ के बारे में जितना भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण हुआ है सब आदमी प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद जो काम वहाँ पर केदार में केदार घाटी में हुए हैं, केदार बाबा केदार के स्थल पर हुए हैं, उससे अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है और तेजी से बनेगा। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता पीटी उषा से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री की पहल पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने उत्तराखंड सरकार के आयोजन की तारीखों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड को 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मिलने के बाद राज्य सरकार और खेल विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन आयोजन की तारीखों का ऐलान नहीं होने से असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। अभी हरियाणा के आम चुनाव हुए, हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के नौजवानों ने, हरियाणा के किसानों ने और वहाँ के हर वर्ग ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है और तीसरी बार वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाई है। तेजी से हरियाणा का विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी है इस अवसर पर और साथ ही उत्तराखंड राज्य के जो हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो हमारा 21 जल विद्युत की परियोजनाएं हैं, देहरादून का जो हमारा एलिवेटेड रोड बनकर आ रहा है, यहाँ पर रिंग रोड का काम होना है, इसके साथ साथ हमारे रोप वे के जो काम हमारे काफ़ी समय से चल रहे हैं उनकी थोड़ा जल्दी से वो काम पूरे हों, उन पर तेजी आए और भी जो समसामयिक विषय हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ के बारे में स्वयं सब जानते हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया और विशेषकर हरियाणा की जीत की बधाई दी और कल पीटी उषा जी से मिला था, ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं, और उनसे हमने निवेदन किया कि लंबे समय से हमारे यहाँ चूँकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था तो उसके लिए कल उन्होंने तिथि घोषित कर दी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित किए जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं पीटी उषा जी का, ओलंपिक संघ का, सबका धन्यवाद करता हूं और अब हम इसकी तैयारी करेंगे। हमारे सभी लोग मिलकर सभी स्थानों पर, पूरे देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं उनसे अनुभव लेते हुए और कि हमारा खेल एक विशिष्ट हो, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में आकर लोग खिलाड़ी देश दुनिया के आएँ और एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएँ। साथ ही हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे उत्तराखंड के नवोदित उदयमान, जो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी हमारी इस राज्य की पहचान हो, तो ये हमारे लिए बड़ा अवसर है। ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तिराहे से कोयल घाटी तक बनाए गए डिवाइडर और उस पर लगी लाइटों का कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने लोकार्पण कर दिया है। बता दें कि लोकार्पण के लिए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि करीब 1.5 किलोमीटर लंबे बने डिवाइडर का निर्माण और उस पर लगी सुंदर लाइटों के लिए 2,33,00,000 रुपए MDDA ने खर्च किए हैं। आपको बता दें कि डिवाइडर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए डिवाइडर के बीच में कई प्रकार की औषधियों के पौधे भी लगाए गए हैं, जिनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी MDDA के अधिकारियों को दी गई है। देखिए, आप जानते हैं ऋषिकेश में जिस प्रकार से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और ऋषिकेश जिस जगह मैं खड़ा हूँ, आपने देखा होगा पिछली बार NH के माध्यम से चौड़ी सड़क मेरे इस जगह से और आपको लगातार श्यामपुर फाटक तक
आपने देखी होगी, और उससे बढ़िया बेहतर स्थिति हमारे इस शहर के अंदर थी। चौड़ी सड़क होने के साथ साथ आपने भी महसूस किया होगा बहुत से एक्सीडेंट के खतरे बढ़े थे, और उसको लेके बहुत सुंदर डिवाइडर MDD के द्वारा यहाँ बनाया गया। चुनाव लोकसभा के चुनाव से पहले इसका हमने एक शिलान्यास किया था, जो 6 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्यक्रमों का हमने शिलान्यास किया था। पहले फेज का काम जो यहाँ पे डिवाइडर का है, जिसके अंदर बहुत सुंदर पौधा यहाँ पे लगाए गए हैं, फूल के अन्य पौधे बहुत सुंदर यहाँ इसमें लगे हैं, और यहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर का 80 पोल, और आप इनकी पोल की भी आप क्वालिटी देखिए, उनका डिजाइन देखिए, ये लगभग 2 करोड़ की लागत से इसका आज मैंने इसका लोकार्पण किया है। मैं यही कह सकता हूं कि हमारे ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में नगर ऋषिकेश के अंदर जब G20 के काम हुए थे, कितने सुंदरता यहां आई थी, उसमें एक कड़ी और जुड़ी है आज, और लगातार ये काम हमारे यहां जारी है। ये MDD के द्वारा यहां हुआ है, जो मेरा विभाग है, और एक बहुत अगला काम भी बहुत जल्द हम MDD के द्वारा, चाहे रायवला के फसाड़ का हो, चाहे नेपाली फार्म पे पार्क का हो, चाहे डिग्री कॉलेज का वॉल का और उसके आगे नाली का हो, या फिर इधर रघुनाथ मंदिर के पास ऋषि कुंड का हो, या फिर हमारे यहाँ त्रिवेणी घाट पे LED लगाना या भगवान जी की मूर्ति को और सुंदर बनाना, इसका भी प्रयास कर रहे हैं, और ये परिस्थिति अनुकूल रही तो ये सब काम भी होंगे, तो और सुंदर और भव्यता यहाँ पे आएगी। नगर मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, बहुत जल्द हम शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन मेरी खुद की और मेरे लोगों की इच्छा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके करकमलों से हो, इसलिए आज मैंने उनसे कहा है कि जब भी वो टाइम देंगे, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है, और जैसी वो पूरी होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी टाइम देंगे, तो एक भव्य शिलान्यास यहाँ पे कराएंगे, और आप देखेंगे जो एक बड़ी समस्या जो पार्किंग की थी ऋषिकेश के अंदर, वो भी हल हो जाएगी और काम शुरू होगा। मंत्री जी, इसमें लगातार एजेंसी काम करेगी, पानी डालना है, उसको देखना है, और आपने देखा भी होगा कि जो आपका ये दीवार है या ईंट है वो थोड़ा सा बड़ी है, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी उसमें निगाह करेगी। प्रदेश भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की इमारत के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्कूलों की ग्रेडिंग कर पुनरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार स्कूलों की इमारतों की ग्रेडिंग को ABCD के रूप में श्रेणियों में रखा गया है। इसमें ए श्रेणी में वह स्कूल शामिल हैं जो सुलभ हैं और वहां निर्माण कार्यों की जरूरत नहीं है। में जो माननीय मंत्री जी के निर्देश हैं, उनके निर्देशों के अनुसार स्कूलों को 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एक कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ निर्माण की आवश्यकता नहीं है, जहाँ भवन हमारे सुलभ हैं। एक बी कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ लघु मरम्मत की आवश्यकता है, और एक सी कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ दीर्घ मरम्मत की आवश्यकता है, और डी श्रेणी में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहाँ विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गए हैं या उनको ध्वस्तीकरण की आवश्यकता है, तो वहाँ पर एक नया निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। तो जो निर्देश दिए गए हैं, काफ़ी विद्यालयों की DPRE बन चुकी है, निर्माण कार्य कुछ विद्यालयों के स्वीकृत भी हो गए हैं, और उस दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि गृहमंत्री जिस सीमांत क्षेत्र में जाने की बात कर रहे हैं, वहां की मूलभूत सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। वहां की जनता को सड़क, पानी, अस्पताल जैसी सुविधाओं से दूर रखा गया है। सीमांत क्षेत्र में प्रसव वाली महिलाओं को आज भी, आपको बता दें कि डंडी कड़ी के माध्यम से अस्पताल ले जाया जा रहा है, जो कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, और यहां तो BJP के नेताओं के दौरे होते रहते हैं। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका जो प्रोग्राम मैं भी देख रहा था कि किसी वाइब्रेंट विलेज का दौरा करेंगे, लेकिन उन वाइब्रेंट विलेज में व्यवस्थाएं क्या है, क्या वहां पर बढ़िया अस्पताल चल रहा है, क्या वहां पर बढ़िया विद्यालय चल रहे हैं, क्या वहां सड़कें से उसको जोड़ दिया गया है, क्या वहां पर बिजली की पूरी आपूर्ति है, कम से कम इन चीजों को देखना चाहिए। पेयजल की आपूर्ति है, इन चीजों को देखना चाहिए। आप वाइब्रेंट विलेज तो बड़ा नाम दे रहे हैं, लेकिन गांव में सुविधाएं शून्य है, ना के बराबर सुविधाएं हैं, पंचायत घर नहीं है वहां पर, जहां ही जाने की बात करें जिस गाँव में, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का और क्या हो सकता है। ठीक है, तो दौरे आएंगे, इवेंट मैनेज करके आ जाएंगे, कुछ
जश्न मना के आ जाएंगे, पिकनिक मना के आ जाएंगे। बाकी सीमांत के प्रति सरकार न गंभीर है, न गंभीर थी, न गंभीर आगे को दिखती है। सीमांत आज भी उजड़े हुए, जगह जगह पेयजल की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य मार्ग गंडी कंडी के सहारे सड़क पर पहुंचाया जा रहा है, डोरी के सहारे मरीजों को, प्रसव वाली महिलाओं को पहुंचाया जा रहा है इस प्रदेश में। और इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूं इस प्रदेश का कुछ नहीं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। यूसीसी के लिए नियम और कानून तैयार करने वाले 9 सदस्यीय पैनल ने अपनी अंतिम बैठक के बाद कहा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा छपने के लिए भेजा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे लागू किया जा सकता है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कहीं भी जाकर बात करिए, लोगों के बीच यूसीसी की कोई चर्चा नहीं है, ये पूरी तरीके से फेल है क्योंकि ये सेंटर का विषय है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी करें तो अन्य राज्य ये लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए, मैं तो इसको पूरी तरह फेल समझता हूँ। आप लोग जरूर चर्चा करते हैं, सरकार कर रही है, लेकिन आम आदमी में अगर कहीं भी किसी मार्केट में जाके आप बातचीत करिए, यूसीसी के बारे में कोई चर्चा तक लोगों में नहीं है और पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि सेंटर का सब्जेक्ट है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी कर रहे तो और स्टेट्स इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि 12 साल के शासन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनका ये एजेंडा था और RSS और BJP का, उसको केंद्र से लागू क्यों नहीं किया, उत्तराखंड में इसका टेस्ट क्यों किया जा रहा है, यह हमारा प्रश्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव प्रचार की सफलता पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। विनय रोहिला भाजपा नेता के अनुसार मुख्यमंत्री धामी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 38 जनसभाएं की, जिनमें से 10 रोड शो भी थे। इनमें से ज्यादातर जगहों पर भाजपा को जीत मिली, जिससे मुख्यमंत्री धामी का स्ट्राइक रेट 100 होने की बात कही जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में लगातार पिछले एक महीने से चुनाव में हम हैं और प्रधानमंत्री जी जहां जहां जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में जहां जहां चुनावी सभा हुई वहां बहुत ही अभूतपूर्व प्रवर्तन कर चुके थे, लेकिन विधानसभा वाइज जहां जहां मुख्यमंत्रियों की जनसभाएं थी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की लगभग 38 जनसभाएं हुई है हरियाणा और जम्मू को मिला के, और उन 38 में से 11-12 रोड शो है। उन रोड शो के अतिरिक्त 29 सभाएं, उनमें से लगभग 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर बहुत अच्छा प्रयास हम सबने मिलकर किया और उसी के कारण वहां पे जीतो ही सरकार के कार्य और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्य घर घर तक पहुंचे, उसी का प्रभाव है कि आज एक आम जनता ने, जो कांग्रेस का एक वातावरण बन गया था कि हम जीत रहे हैं, उसके विपरीत जाके कांग्रेस को जवाब दिया है और कांग्रेस को आईना दिखाया है कि भाई आगे से आप सावधान रहिए, जनता के बीच में जाके जनता के सेवक बनकर काम करेंगे तो वो सरकारें रखना हो सकती है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी ने हरियाणा चुनाव में BJP की जीत पर आई कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में लोकतंत्र और शांति बहाली के बाद वहां के हालात में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी अन्याय है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार जीत की हैट्रिक जो दर्शाता है कि लोग भाजपा पर विश्वास करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का समर्थन भी करते हैं। कश्मीर के लिए जरूर कहा होगा क्योंकि कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है और जिस प्रकार का वहाँ पे जो वातावरण अभी जो अपडेट्स हुए हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे जो हैं सेपरेटिस्ट और जो माइग्रेटेड लोग हैं जो कश्मीर में अपना रह रहे हैं और बाहर से आए हुए लोगों का जो वहाँ पे निवास स्थान बताकर उनको वोटर बनाकर वहाँ पे वोट लिए गए हैं, ये तमाम खबरें कश्मीर से आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक की है, ये अपने आप में
में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तीसरी बार सरकार का वापस आना और मजबूती के साथ में आना, पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर आना, दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोग विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर मोहर लगाते हैं। पौड़ी जिले में समीक्षा बैठक लेते हुए डीएम आशीष चौहान ने लंबित राजस्व और फौजदारी वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उन्होंने कोटद्वार तहसील स्तर पर 167 के लंबित सभी 31 वादों को पेशकार के पास जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा। राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में विभिन्न तहसील में लंबे समय से लंबित पड़े राजस्व वादों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित वादों की सुनवाई के लिए केसवार तिथि निर्धारित कर गेस्टर तैयार करना सुनिश्चित करें। विभाग की समीक्षा बैठक आज ली गई है और उसमें विस्तृत समीक्षा जो विभागीय कार्यों की होती है वो की गई है। उसमें राजस्व वादों के त्वरित गति से निस्तारण को निर्देशित किया गया। 5 साल या 3 से 5 वर्ष के वादों को तेजी से निस्तारित किए जाने पे या वसूली के प्रतिशत को बढ़ाए जाने पे बकायादारों के विरुद्ध जो नियम। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्यटन विकास संबंधी 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत जिलाधिकारी ने लंबित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। पर्यटन विकास समिति की जिला स्तरीय बैठक में जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। जिला पर्यटन विकास समिति की जो हमारी बैठक थी उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें कुछ चीज़ों को मैंने उनको डायरेक्शंस ये दिए हैं कि श्रीनगर में एक वाटर फेस्टिवल को हमें आगे बढ़ाना है। सिमिलर लाइन पे हमारा भारत के उदय का जो कोटद्वार से संबंध है या ऋषि कर्णव से संबंधित जो हमारी एक पावन स्थली है तो उसे एक टूरिज्म के मैप पे इस्टेब्लिश करने या उसे ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए एक फेस्टिवल किए जाने के लिए मेरे द्वारा डायरेक्शन से DTDO को और मुख्य नगर आयुक्त को दिए। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए ANV News। नमस्कार।